season. Hey guys, welcome back to our channel Rural India Academy. बहुत दिनों के बाद नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरा नाम है फलेंद्र प्रजापति, आप देख रहे हैं रूरल इंडिया एकेडमी और हमारे ट्यूटोरियल वीडियो का ये इस साल का पहला वीडियो है। तो बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स थे वो कमेंट कर रहे थे कि सर स्पिन बॉल को कैसे खेलें, स्पिनर्स को कैसे खेलें, क्या की मूवमेंट्स होनी चाहिए, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। गाइस बहुत ज़्यादा सिंपल है स्पिन बॉलिंग को खेलना, क्योंकि स्पिन बॉल एज कम्पेयर टू पेस बॉलिंग जो पेस का जो वेरिएशन है वो बहुत ही कम होता है। तो हिंदुस्तान में जितने भी अच्छे क्रिकेटर हुए हैं उनमें एक खासियत बात ये रही है कि उनको स्पिन खेलना अच्छे से आता है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर जो पिचे होती हैं वो स्प्रिंट फ्रेंडली होती हैं। इसीलिए आपको यदि स्पिन खेलना आता है तब आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं। उसके लिए आपको छोटी छोटी चीज़ों का फॉलो करना पड़ेगा, जैसा कि हम बताते जा रहे हैं। ज़रूर हमको शुरू से लास्ट तक वॉच कीजिएगा, इसमें हम सारी वो की मूवमेंट बताते हैं। तो शुरुआत से मैं करता हूं गार्ड से। यदि आपने हमारा गार्ड और स्टांस वाला वीडियो नहीं देखा है स्टीव स्मिथ के ऊपर जो हमने बनाया है, उसको जरूर जाके वॉच कीजिएगा। हमने सारी चीजें उसमें बताई हैं कि क्या वो टेक्निक थी, क्या वो की मूवमेंट थी। तो गार्ड को छोड़कर जब कभी भी हम बात करते हैं स्पिन खेलने वाले बैट्समैन के लिए, तब हमारे पास समय बहुत ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर, जैसे कि मैंने कहा था। तो जब हमारे पास समय है तब हम लेट खेल सकते हैं स्पिन बॉल को। यदि आपको अच्छा महारत हासिल करना है स्पिन बॉलिंग खेलने के लिए तब आपको लेट खेलना पड़ेगा, कहने का मतलब बॉल को आने देना पड़ेगा। यदि आप बॉल को आने दे रहे हैं अपने पास तब आसानी से गैप ढूंढ सकते हैं, सिंगल ले सकते हैं और कदमों का इस्तेमाल करके आसानी से आप स्पिन के खिलाफ रन बना सकते हैं। लेकिन आपको डोमिनेट करना पड़ेगा स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। सीधा सीधा आपका जो पैर का जो मूवमेंट है, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पैर के मूवमेंट के बारे में, कि यदि आपका पैर जो चलता है, पैर जो है वो आगे बढ़ता है, तब आप आसानी से स्पिन बॉल को खेल सकते हैं। अगर आपको पता है कि लेंथ जो है वो पीछे है तब आप बैक फुट में जाकर डिफेंस भी कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि बॉल सामने है आप आसानी से उसको फ्रंट फुट भी डिफेंस कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग जैसे बात कर रहे थे फ्रंट फुट डिफेंस के बारे में, तो फ्रंट फुट डिफेंस करने के लिए जैसे कि मैं बेसिक्स में बात करूं तो उसके लिए करना क्या है आपको, जब कभी भी आप फ्रंट फुट डिफेंस करेंगे तब आप चाहे स्टंप कवर करें या ना करें, शफल करें या ना करें, क्योंकि फास्ट बॉलर को आप शफल करके अंदर आते हैं, स्पिन पे आपके पास समय रहता है, तब आप फ्रंट फुट डिफेंस करने के लिए कोशिश करेंगे कि आपका बल्ला जो है वो पहले जाना चाहिए पैड से पहले। यदि आपका पैर पहले जाएगा तब आप मिस करने का चांस रहेगा और कहीं ना कहीं आप पैड में खा सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए, या तो आप पैरेलल ले जाइए या तो आप सर को नीचे करते हुए आपको बॉल को मीट करना है अपने नज़रों के नीचे, तभी आप फ्रंट फुट डिफेंस खेल सकते हैं। और बैट का ब्लेड देख लीजिए, इस प्रकार से आपका जो बैट का जो ब्लेड रहेगा, अगर मिडिल होगी बॉल तो यहीं पर टप्पा खाएगी, हवा में जाने का चांस ही नहीं है। तो ये होता है गाइस परफेक्ट डिफेंस। यदि आप करना चाहते हैं तो पहले आपका बैट जाएगा, यदि आप पैर लेके जाना चाहते हैं तब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, और आपका जो हेड है वो स्टिल होना ही चाहिए यदि आप स्पिन बॉलिंग को खेल रहे हैं। तो गाइस स्पिन बॉलिंग खेलते हुए आपको इस बात को ध्यान रखना है कि यदि आप लगातार फ्रंट फुट डिफेंस कर रहे हैं, आगे जाके बॉलर को डोमिनेट कर रहे हैं, तब उसके माइंड में जो है वो खटकेगा और कहीं ना कहीं वो आपको आगे बॉल देने से कतराएगा, क्योंकि ड्राइव भी खा सकते हैं, इसीलिए वो आपको बॉल पीछे करेगा। जब कभी भी वो बॉल पीछे करेगा आपको जाना है सीधा बैक फुट पर, जैसे कि मैंने सबसे पहले बताया है कि आपका पैर जो चलना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पैर लगातार चलते रहने चाहिए। यदि आप फ्रंट फुट ले जा रहे हैं तब आप आसानी से अपने आप को क्लियर कर सकते हैं और उसको पुल भी कर सकते हैं, क्योंकि गेंद बहुत छोटी रहेगी और जहाँ छोटी मिली आपको आपको बाउंड्री स्कोर करना है, तभी आप डोमिनेट करेंगे और स्पिनर के खिलाफ रन बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित आपको होगी ये ट्रिक। तो गाइस बात कर ली जाए कदमों के इस्तेमाल के बारे में, स्टेप आउट करने के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फीट का यूज़ करना, क्रीज का यूज़ करना। यदि आप क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर रहे हैं और कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं तब आपका जो कदम है वो कुछ इस प्रकार से बढ़ना चाहिए, इससे स्पिनर के माइंड में जो है वो कहीं ना कहीं खटकेगा कि ये इस कदमों का इस्तेमाल कर सकता है, निडर है मेरे खिलाफ, तब वो आपके खिलाफ सेटल कभी हो ही नहीं सकता। तब आप बेसिक में देख लीजिए आपको कदमों का इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सा कदम पहले बढ़ाना है, आपको जो बैक लिफ्ट है वो पीछे रहेगा और बॉल की लाइन में बढ़ना है आपको सीधे सीधे। यदि आप बॉल की लाइन में नहीं बढ़ रहे हैं, बॉल की लाइन से दूर जा रहे हैं, तब कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हैं बॉल को और आपको स्टंप होने का बिल्कुल चांस जो है वो बढ़ जाएगा। ऐसी गलती ना करें, आप जब कभी भी स्टेप आउट करेंगे तब आप बॉल की लाइन में ही करेंगे और उसको डायरेक्ट उठाएंगे सीधे बल्ले से,
खेलने का प्रयास करेंगे, मिडिल करेंगे, आसानी से बॉल छक्का चला जाएगा। गाइस ध्यान रखना है इस बात को आपको कि जब कभी भी आप स्टेप आउट कर रहे हैं स्पिनर के अगेंस्ट, तब आपको वो काम तभी करना है जब बॉलर अपने हैंड से बॉल को रिलीज कर देगा, और जब कभी भी वो रिलीज करेगा आपको स्टेप आउट करके आगे आना है और सीधे बैट से शॉट खेलना है। इस बात को हमेशा आप याद रखेंगे। तो ये सारी जो ट्रिक है गाइस वो आप अपनाइएगा जरूर, नेट्स में अपनाइए, साथ ही साथ मैच में भी अपनाइए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आप एक और ट्रिक अपनाकर स्पिन बॉल को आसानी से खेल सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, आपको लॉन्ग हैंडल का यूज करना है और नी पे बैठ के स्वीप करना है बॉल को। इससे क्या होगा, जब कभी भी बॉलर थोड़ा भी खींचने का प्रयास करेगा, आपको स्टेप आउट करने के लिए भ्रमित करेगा, तब आप आसानी से स्वीप शॉट खेल के उसके खिलाफ रन बना सकते हैं। उसके जहन में जरूर ये बात बैठ जाएगी कि ये जो बंदा है वो आसानी से स्पिन खेल सकता है, मैं इसको आउट नहीं कर सकता, और जब कभी भी उसके दिमाग में ये बात आई वो आपको ढीले बॉल करना चालू कर देगा। आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं 100, 100, 100, 100 कुछ भी रन स्कोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इन बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। यदि आप बेसिक सीखना चाहते हैं स्वीप शॉट के बारे में, तो हमने पहले वीडियो बनाए हुए हैं, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप जरूर जाके वॉच कीजिएगा जरूर उसको। तो गाइस आज के लिए इतना ही। यदि आपको लगता है कि कौन से जो टॉपिक पर हमको वीडियो बनाना चाहिए उसको हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम वीडियो बना सके। जैसे कि ये वीडियो जो है वो मांग पर, विशेष मांग पर किया गया है हमारे दर्शकों के द्वारा कि स्पिन बॉल को कैसे खेले सर उसको बताइए, और तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।